प्रॉपर्टी इंडिया में आपका एक बार फिर स्वागत है। चलिए आपके सवाल लेते हैं। मयंक प्रतीक अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी मयंक, पूछिए अपना सवाल। जी सर, मुझे एक्चुअली नोएडा में एक 3 BHK फ्लैट खरीदना था और मेरा बजट था वो 7-8 लाख के बीच में है। जी नहीं मैंने सर, इनको 2-3 BHK का मकान चाहिए। इनका बजट 55-60 लाख-70 लाख तक का है और ये नोएडा एक्सप्रेसवे पे घर लेने का सोच रहे हैं, तो क्या विकल्प है इनके पास? जी नोएडा एक्सप्रेस पे तो इन्हें काफ़ी विकल्प मिल जाएंगे। ये एक काफ़ी अच्छा लोकेशन चूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मेट्रो का काम भी काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है और एक बार मेट्रो कनेक्टिविटी आ जाए तो ग्रेटर नोएडा, सेंट्रल नोएडा, दिल्ली, गाज़ियाबाद, इन सब से आपकी कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इवन अगर आप यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए तो धीरे धीरे करके आज यहाँ पे सोशल इंफ्रा भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम आंकड़ों को देखें, करीबन 14,000 यूनिट की सप्लाई इस मार्केट में है और 5,300 रुपये स्क्वायर फुट का रेट यहाँ पे चल रहा है। तो इसके अगर अगेंस्ट में हम इसके रिटर्न्स देखें तो अराउंड 3% के एनुलाइज रिटर्न्स इस मार्केट में देखे हैं, जो कि NCR मार्केट में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स माने जा सकते हैं। और अगर हम आपके बजट को देखें तो हमें लगता है कि सेक्टर 137 में हम अच्छे प्रोजेक्ट्स चूज़ करके दे सकते हैं। ये सेक्टर 135 और सेक्टर 144 जहाँ जो IT हब्स माने जाते हैं, इससे काफ़ी करीबी फासले पर है। इन प्रोजेक्ट्स के नाम हैं अजनारा डैफोडिल, पारस टियारा और लॉजिक्स ब्लॉसम कंट्री। ये तीनों ही प्रोजेक्ट्स जो हैं इनमें काफ़ी अच्छी एमिनिटीज़ हैं, आपके बजट में भी सारे आएंगे। इनफैक्ट पारस बिल्टेक का जो ग्रुप है ये काफ़ी रिप्यूटेड डेवलपर माने जाते हैं और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में शायद आपको एक 3 BHK भी छोटा साइज़ का यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। अजनारा डैफोडिल और ब्लॉसम कंट्री जो प्रोजेक्ट्स हैं ये भी काफ़ी अच्छे हैं। अजनारा डैफोडिल जो है वो मेट्रो स्टेशन से काफ़ी नज़दीक होगा और ये एक रेडी प्रोजेक्ट। जो ब्लॉसम कंट्री है उसका पोजेशन जो है वो पैस अभी हाल ही में शुरू हुआ है, धीरे धीरे करके ये भी एक रेडी प्रोजेक्ट में माना जाएगा। तो चलिए, इसमें आप अपनी ज़रूरत और हिम्मत के हिसाब से पैसे लगाइएगा क्योंकि पारस टियारा, जिसको ये कह रही हैं कि एक रिप्यूटेड बिल्डर है, उसकी कीमत भी कम ही है। यहाँ आपको पर स्क्वायर फुट 4,000 से 4,600 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से मकान मिलेगा। यहाँ पर जो यूनिट साइज़ है वो आपको अगर 2 BHK प्लस स्टडी की देखें तो लगभग आपको 1,200 स्क्वायर फुट का मकान मिल रहा है और आपके पास अगर 3 BHK प्लस 7 क्वार्टर लेना है तो उसमें आप 1,265 स्क्वायर फुट का मकान ले सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है और इसकी लोकेशन भी अच्छी है, जैसा कि आपको बताया गया है। जितने भी एक्सप्रेस वेज हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है, चंद मिनटों की दूरी पे हैं, तो कनेक्टिविटी इसकी दिल्ली से और दूसरे इलाकों से अच्छी है और आसपास हॉस्पिटल भी अच्छे हैं और स्कूल्स भी हैं। और दूसरा विकल्प जो है वो इसी सेक्टर में है, अजनारा डैफोडिल प्रोजेक्ट है अजनारा इंडिया का। यहाँ पर 4,800 से लेकर 5,200 रुपये प्रति वर्ग फुट का रेट चल रहा है। आपको 2 BHK जो है वो 1,200 स्क्वायर फीट साइज़ का आपको मिल जाएगा। यहाँ पर डेवलपर से भी आप ले सकते हैं, साथ ही रीसेल मार्केट में भी आप नेगोशिएट करके अच्छे दाम पर ये घर पा सकते हैं। यहाँ पे सेम जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। एक्सप्रेसवे बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, दिल्ली का जो DND एक्सप्रेसवे है वो भी कुछ ही मिनटों पर है। साथ ही आपको यहाँ पे स्कूल जैसे कि श्रीराम मिलेनियम स्कूल है, शिवनादर स्कूल है, वो भी नज़दीकी में पड़ जाएगा और अमेनिटीज़ भी आपको ढेर सारी मिल रही हैं इस प्रोजेक्ट में। चलिए, जो तीसरा ऑप्शन हम आपके लिए लेके आए हैं वो है ब्लॉसम काउंटी। ये लॉजिक्स ग्रुप की तरफ से है और इसका कॉस्ट आपको पड़ेगा 4,500 से 4,900 रुपये पर स्क्वायर फुट का। आप यहाँ पे जो मकान लेना चाहते हैं उसका यूनिट आपको पड़ेगा 905 से 1,175 स्क्वायर फुट। ये तैयार होने वाला है, इसको मान के चल रहे हैं कि 2016 के एंड में ही, यानी कि अभी कुछ दिनों में तैयार हो जाना चाहिए। यहाँ ये जो प्रोजेक्ट है ये 25 एकड़ में बनाया गया है, इसलिए आपको खुला एक डेवलपमेंट भी मिलेगा और लोकेशन वही है, वही फैसिलिटी जो आपको एरिया से मिलेंगी, लेकिन इसमें आपको एक थीम पार्क, एक गोल्फ कोर्स, मेडिकल सेंटर, ये सब चीज़ें अंदर भी मिल रही हैं। और इसी के साथ हम शुक्रिया करना चाहेंगे नईम उनिसा खान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे
जो व्यूअर्स हैं उनके भेजे हुए सवालों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि महाराष्ट्र में सस्ते आवास खटाई में क्यों हैं।